हेलो नमस्ते, वर्ष की मीता की यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब दोस्तों? सबसे पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। मीठा बनेगा, भोग लगेगा माता रानी को, तो चलिए आज हम मीठे से शुरुआत करते हैं। हम बनाने जा रहे हैं समा के चावल की खीर व्रत के लिए। समा का चावल या बगर, देखिए मैंने 2 चम्मच लिया है, 2 बड़े चम्मच, और इसको हम अच्छे से धो करके भिगो करके रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। तो ये देखिए हमने अच्छे से धो दिया है, थोड़ा पानी डाल करके 20 से 25 मिनट भिगो के रखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या आपको ये मालूम है कि अगर आप घी या तेल से अपना पैन जो है खीर बनाने के पहले अगर ग्रीस कर देते हैं तो ना दूध ऊपर गिरेगा ना आपका नीचे दूध लगेगा या जलेगा। तो चलिए यहाँ पर घी लेकर के मैंने पैन अपना एक बार अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 लीटर दूध। हम दूध को बॉईल कर लेंगे अच्छे से, जैसे हम नॉर्मली खीर बनाते हैं। जो मेरे पास समा का चावल वॉश था उसके अंदर मैं 1/2 चम्मच घी ले रही हूँ और अच्छे से इसको मिक्स करके रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक हमारा दूध में एक बॉईल ना आ जाए। तो ये देखिए इस तरह से रख दीजिए आप, दूध में बॉईल आ चुका है। जो हमने इसके अंदर साइड में हमारे जो पैन को हमने ग्रीस किया था, वो करने से ये होता है कि आपका दूध जो है वो ना जलेगा ना गिरेगा बाहर। तो चलिए इसमें हम चावल डाल देते हैं। बगर समा का चावल जो होता है उसको बाकी चावल के खीर की तरह टाइम नहीं लगता, बगर बहुत जल्दी गल जाता है। तो हमने इसके अंदर डाल दिया है समा का चावल, एक अच्छा सा हम इसको मिक्स कर देंगे और इसको हम धीमी आंच पे कुक होने देंगे। साइड्स आप देख रहे हैं ना, दूध हमारा ना जल रहा है ना बाहर आ रहा है, मीडियम से हाई फ्लेम पे मैंने रखा हुआ है शुरू में, उसके बाद मैं इसको अब थोड़ा सा धीमा कर दूंगी। तो चलिए देखिए इस तरह से चावल भी हमारा पक रहा है दूध के अंदर, खीर हमारी धीरे धीरे करके अच्छे से गाढ़ी होती जा रही है। हमको इसको बीच बीच में चलाते रहना है इस तरह से, और हमारा समा का चावल की खीर बहुत बढ़िया देखिए तैयार हो जाएगी। देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, चावल जो है वो अच्छे से गल भी गया है, टाइम इसमें बिल्कुल नहीं लगता। चीनी डाल दी है इसके अंदर मैंने, और चीनी डालने के बाद में आप इसको फिर से पकाइएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कटे हुए बादाम डाल रही हूँ। तो देखिए ये थिक हो रहा है। अब ये जो खीर आपको लग रही है कि ये हल्की पतली रह गई है, पर ये इस तरह से ही आप अगर इसको रखेंगे तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये और गाढ़ी हो जाती है। तो इसको पहले से ही बहुत गाढ़ा नहीं करिएगा। इलायची पाउडर फ्रेश में डाल रही हूँ मैं, छिलके के साथ डालती हूँ क्योंकि छिलके में बहुत फ्लेवर होता है, बाद में आप वो निकाल सकते हैं। तो चलिए हमारी खीर रेडी हो गई है, मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर गार्निश कर दूँगी बादाम, और हम डाल देंगे रोज़ पेटल्स जो हैं ड्राई रोज़ पेटल्स, थोड़ा सा हम डाल देंगे पिस्ता, और हम इसको अच्छे से सजा देंगे। तो समा के चावल की खीर कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलिएगा, लाइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको अपलोड्स के मेरे मिलते रहें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद व्हाट्स कुकिंग मीता। Once again, a very happy Navratri.